हेलो फ्रेंड्स, वेलकम करता हूं आपके अपने चैनल क्रिप्टो बिट जेटके में। फ्रेंड्स, आज की वीडियो में आपसे बात करने वाला हूं बी नेटवर्क और पाई नेटवर्क के ऊपर। फ्रेंड्स, पाई नेटवर्क की तरह क्या हमें बी नेटवर्क को भी ज्वाइन करना चाहिए? फ्रेंड्स, पाई नेटवर्क की तरह बी नेटवर्क भी हमें तगड़ा प्रॉफिट दे सकता है या नहीं दे सकता? फ्रेंड्स, इसी टॉपिक पर मैं बात करूँगा और फ्रेंड्स इन दोनों के बीच का कंपेरिजन भी मैं आपको बताऊँगा कि फ्रेंड्स हमें बी नेटवर्क को भी ज्वाइन करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। तो चलिए फ्रेंड्स वीडियो को शुरू करते हैं। उससे पहले आपसे रिक्वेस्ट करूँगा, अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं और अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं करा तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करिए और वीडियो को ज़रूर लाइक कर दीजिएगा। चलिए फ्रेंड्स वीडियो को शुरू करते हैं। तो फ्रेंड्स, सबसे पहले हम बात करते हैं पाई नेटवर्क के ऊपर। फ्रेंड्स, पाई नेटवर्क जो है ये एक बहुत बड़ा प्रोजेक्ट है जो कि 3 साल से रन कर रहा है। और जबकि फ्रेंड्स डेक्स के मुकाबले में बी नेटवर्क को देखा जाए तो बी नेटवर्क को आए हुए फ्रेंड्स मार्केट में सिर्फ और सिर्फ 1 साल हुआ है। तो 1 साल हुआ है फ्रेंड्स। अब हमने भी देखे हैं इसके पाई नेटवर्क में। तो फ्रेंड्स, पाई नेटवर्क के आज जो टोटल मेंबर हैं वो 29 मिलियन प्लस इसके मेंबर हो चुके हैं आज की डेट में। जबकि अब बी नेटवर्क के देखते हैं तो फ्रेंड्स बी नेटवर्क में वो 10 मिलियन प्लस इसके यूज़र्स फ्रेंड्स हो चुके हैं। जैसे कि फ्रेंड्स इसके नीचे अपडेट आया हुआ, जैसे कि फ्रेंड्स आप देख सकते हैं इसके 15 मिलियन यूज़र जो हैं बी नेटवर्क के हो चुके हैं, जबकि पाई नेटवर्क के 29 मिलियन से ज़्यादा यूज़र जो हैं फ्रेंड्स वो जुड़ चुके हैं। और फ्रेंड्स एक और इन दोनों में सबसे बड़ी बात यह है कि पाई नेटवर्क के आज इतने ज़्यादा यूज़र्स हैं, पाई नेटवर्क के यूज़र्स ही हैं वो जो कि जिनकी वजह से बी नेटवर्क में इतना ट्रैफिक हुआ है। मतलब पाई नेटवर्क जिन लोगों ने ज्वाइन करा है उन लोगों ने ज़्यादातर लोगों ने बी नेटवर्क भी ज्वाइन करा है। और बी नेटवर्क के इतने ज़्यादा यूज़र्स बने हैं वो पाई नेटवर्क की वजह से ही, क्योंकि पाई नेटवर्क का बहुत बड़ा हाथ है बी नेटवर्क के इतने बड़े यूज़र्स कराने में। क्योंकि फ्रेंड्स पाई नेटवर्क को जो है वो काफ़ी ज़्यादा टाइम लगा था इतने ज़्यादा यूज़र्स करने में। पाई नेटवर्क ने काफ़ी ज़्यादा मेहनत करी तब जाके इतना बड़ा यूज़र्स का अचीवमेंट जो पाई नेटवर्क ने कवर करा। लेकिन फ्रेंड्स इसकी कॉपी आ गई मार्केट में। जब कोई चीज़ सफल हो रही होती है, जब कोई चीज़ बहुत आगे जा रही होती है तो उसकी कॉपियाँ मार्केट में आना शुरू हो जाती हैं। इसी तरह पाई नेटवर्क की कॉपी आई जिसका नाम हुआ बी नेटवर्क। बी नेटवर्क फ्रेंड्स उन लोगों ने ज्वाइन करा जो कि पहले से पाई नेटवर्क की माइनिंग कर रहे थे। और इस तरह फ्रेंड्स 15 मिलियन से ज़्यादा यूज़र जो हैं बी नेटवर्क के बन गए और इसके 30 मिलियन करीब यूज़र जो हैं फ्रेंड्स पाई नेटवर्क के बन गए। और फ्रेंड्स आज के टाइम में बहुत से लोग बी नेटवर्क को फेक कहते हैं। तो फ्रेंड्स मैं आपको पहली बात तो ये बता दूँ कि बी नेटवर्क जो है वो फेक नहीं है। बी नेटवर्क जो फ्रेंड्स आपको ऐप प्ले स्टोर पर ही मिल जाएगा और प्ले स्टोर दोनों पे आपको अवेलेबल है। तो फ्रेंड्स ये बी नेटवर्क जो है ये किसी तरह का फेक नहीं है। फ्रेंड्स बी नेटवर्क जो है बिल्कुल रियल है, आप इसको फेक ना समझें। आप ये हर तरह से प्रोटेक्ट ऐप है जिसको फ्रेंड्स आप अपने मोबाइल में रख सकते हैं। फ्रेंड्स इसकी माइनिंग भी आप कर सकते हैं। और फ्रेंड्स इसकी माइनिंग आप करते हैं तो फ्रेंड्स अब बात करते हैं ये फ्यूचर में तगड़ा प्रॉफिट देगा या नहीं देगा। फ्रेंड्स सबसे तगड़ा जो प्रॉफिट देगा हमें, जितने भी आज के टाइम में बहुत से कॉइन माइन हो रहे हैं फ्रेंड्स, जो सबसे पहला कॉइन है वो हमारा पाई नेटवर्क है। पाई नेटवर्क को देख कर ही बहुत से कॉइन मार्केट में आए हैं और वो सब माइनिंग कर रहे हैं फ्रेंड्स। जो फ्रेंड्स ये इसकी वो जो बी नेटवर्क जो है वो इसकी कॉपी है। तो फ्रेंड्स हम वैल्यू की अगर बात करें तो पाई कॉइन की वैल्यू जो है बहुत ज़्यादा होने वाली है बी कॉइन के हिसाब से। जी हाँ फ्रेंड्स, बी कॉइन की वैल्यू जो है वो कम होगी लेकिन पाई कॉइन की वैल्यू जो फ्रेंड्स वो होगी वो बहुत ज़्यादा होगी। क्योंकि फ्रेंड्स अभी इसकी जब इसका मेननेट लॉन्च हो जाएगा, इसकी KYC हो जाएगी, फिर फ्रेंड्स ये एक्सचेंज पर लिस्ट होगा। ये पता नहीं अभी सुनने में आ रही है कि बहुत बड़े एक्सचेंज पर लिस्ट होगा। उस एक्सचेंज पर फ्रेंड्स जब ये लिस्ट होगा तो उसकी एक वैल्यू बनेगी। और फ्रेंड्स इसकी वैल्यू शुरुआत में कम होगी लेकिन इसके पीछे बहुत बड़े बड़े इन्वेस्टर हैं तो इसकी वैल्यू बहुत जाएगी। जबकि फ्रेंड्स ऐसा बी नेटवर्क के साथ नहीं है। बी नेटवर्क के पीछे अभी कोई नहीं लगा हुआ, बी नेटवर्क में सिर्फ माइनिंग हो रही है। बस इसमें अचीवमेंट ये है कि इसने बहुत जल्दी इतने सारे यूज़र्स कवर कर लिए, वो भी सिर्फ और सिर्फ पाई नेटवर्क की वजह से ही। अगर पाई नेटवर्क ने अपनी मेहनत से यूज़र्स कलेक्ट करे हैं और इसने अपने पाई नेटवर्क की वजह से इसने अपने कर लिए हैं फ्रेंड्स। तो अब मैं बात करता हूँ कि हमें बी नेटवर्क की माइनिंग करनी चाहिए नहीं करनी चाहिए। तो फ्रेंड्स बी नेटवर्क जो है, बी कॉइन जो है फ्रेंड्स वो फ्री में माइन हो रहे हैं तो आप इसकी माइनिंग कर सकते हैं, अभी आपके पास मौका है फ्रेंड्स। वैल्यू तो इसकी वैल्यू होगी फ्रेंड्स, आपके पास जितने ज़्यादा होंगे आप इनका भी यूज़ कर सकते हैं। और फ्रेंड्स सबसे बड़ी बात तो ये है कि बी कॉइन को भी आप गुड एंड सर्विसेज में यूज़ कर सकते हैं। जी हाँ फ्रेंड्स, ये सबसे बड़ी बात आती है इसमें, जिसकी वजह से इसके 15 मिलियन यूज़र हुए हैं, जो कि बहुत से लोग इसकी माइनिंग इसी वजह से कर रहे हैं क्योंकि इन्होंने एक अपने अपडेट में बताया था और वाइट पेपर में भी लिखा हुआ है कि फ्रेंड्स आप बी कॉइन को देकर गुड एंड सर्विसेज ले सकते हैं। मतलब फ्रेंड्स आप इसे देकर आप सामान खरीद सकते हैं, जिस तरह आप पाई नेटवर्क में आप सामान देकर पाई कॉइन देकर आप सामान खरीद सकते हैं, इसी तरह आप बी कॉइन देकर भी फ्रेंड्स आप सामान खरीद सकते हैं। ये चीज़ लोगों को बहुत अच्छी लगी जिसके लिए लोगों ने इसे ज्वाइन करा। अगर फ्रेंड्स आप बी नेटवर्क को ज्वाइन करना चाहते हैं तो लिंक डिस्क्रिप्शन में मिलेगा, फ्रेंड्स कोड भी मिल जाएगा, आप उससे ज्वाइन कर सकते हैं और अपने अच्छे खासे बी की माइनिंग कर सकते हैं। फ्रेंड्स इसकी माइनिंग की स्पीड जो फ्रेंड्स अभी थोड़ी कम है लेकिन आने वाले टाइम में इसकी बहुत कम हो जाएगी। फ्रेंड्स अब इसका KYC चल रही है, KYC होने वाली है, KYC का प्रोसेस चल रहा है अभी। तो फ्रेंड्स इसकी KYC पासपोर्ट से हो रही है लेकिन आने वाले टाइम में इसकी, मतलब कुछ ही महीनों में
इसकी केवाईसी आधार से भी शुरू हो जाएगी। और फ्रेंड देखा जाए तो पाई नेटवर्क में काफ़ी ज़्यादा लेट होकर इन्होंने ऐड अपने पाई नेटवर्क पे ऐड शुरू करे। फ्रेंड जी हाँ फ्रेंड, पहले पाई नेटवर्क पे ऐड नहीं आते थे लेकिन अब ऐड आने लगे, जो कि ऐड आते हैं तो फ्रेंड जिससे कमाई होती है, लेकिन ये पाई नेटवर्क ने बहुत देर में शुरू करा जिससे पाई प्लेटफॉर्म के ऊपर ऐड आने शुरू हुए। जबकि बी नेटवर्क में देखा जाए तो जब बी नेटवर्क आया, जब इसके यूज़र्स बन गए तो फ्रेंड्स इसने तुरंत अपने ऊपर ऐड लाने शुरू कर दिए, जिससे इनकी कमाई जो है फ्रेंड्स बी नेटवर्क की वो शुरू से होती हुई आ रही है। और इनका फ्रेंड्स यूट्यूब पर चैनल भी है नेटवर्क, उससे भी हो रही है, और इनके प्लेटफॉर्म पर जो ऐड आ रहे हैं उससे भी हो रही है, जबकि पाई नेटवर्क ने देर से करा। लेकिन फ्रेंड्स मैं आपको बता दूं, पाई नेटवर्क की सबसे आगे जाएगा क्योंकि रियल है, जो कि पहली सबसे फर्स्ट माइनिंग ऐप है, एप्लीकेशन है, और इसके पीछे फ्रेंड बहुत से यूज़र चल रहे हैं। और फ्रेंड्स ये लॉन्ग टाइम प्रोजेक्ट है। लॉन्ग टाइम प्रोजेक्ट मतलब फ्रेंड्स वो होता है जो कि बहुत सक्सेसफुल जाता है, आगे तक जाता है, लेकिन उसके लिए फ्रेंड्स आपको भी करना पड़ेगा कि आपको सेल नहीं करना पड़ेगा। जब इसके बाय और सेल शुरू हो जाएगी तो आपको सेल नहीं करना है, आपको होल्ड करके रखना है। आप होल्ड करेंगे, आप अगर ऐसे 1.5-2 साल भी मिनिमम होल्ड कर लेते हैं तो फ्रेंड्स आपको एक तगड़ा प्रॉफिट देगा, बहुत तगड़ा प्रॉफिट देगा आपको पाई क्वाइन। बी क्वाइन की नहीं कह रहा मैं, पाई क्वाइन की कह रहा हूँ, बहुत तगड़ा प्रॉफिट देगा। और फ्रेंड्स बी क्वाइन भी आपको प्रॉफिट देगा, लेकिन इतना ज़्यादा नहीं देगा जो पहले नंबर पर फ्रेंड्स वो हमारा पाई क्वाइन ही है। भले ही इसने थोड़े देर से काम शुरू करा, जबकि बी नेटवर्क ने शुद्ध जल्दी काम शुरू कर दिया, लेकिन उसके हिसाब से फ्रेंड्स पाई क्वाइन हमें बहुत तगड़ा प्रॉफिट देगा। तो फ्रेंड्स आज की वीडियो में इतना ही। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दिएगा। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए बाय, टाटा, टेक केयर।